भोपाल में लगातार हो रही बारिश एक बार फिर शहर के तीनों प्रमुख डैम कोलार, केरवा और कलियासोत के गेट खोल दिए गए हैं। राजधानी में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों की आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक इसी तरह के मौसम का पूर्वानुमान जताया है। अब तक 44 इंच बारिश दर्ज हो चुकी है, जो सामान्य से 17% अधिक है। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल और इसके आसपास के इलाकों में अगले 3 दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। सीहोर जिले के लिए भी अधिक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके पानी से भोपाल के डैम भरते हैं। इस बारिश की वजह से भोपाल के बड़े तालाब केरवा और कोलार डैम में पानी का स्तर तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल के कोलार, केरवा और भदभदा डैम में पानी निर्धारित स्तर के करीब पहुंच गया है। प्रशासन ने डैमों के गेट खोल रखा है, ताकि अधिक पानी को बहाने दिया जा सके। लगातार हो रही बारिश से आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में स्थिति और गंभीर हो सकती है, अगर बारिश इसी तरह जारी रही। सितंबर महीने में भोपाल में औसतन 7 से 8 इंच बारिश होती है। हालांकि कुछ सालों में इस महीने में ज्यादा बारिश भी दर्ज की गई है। उदाहरण के तौर पर 2019 में 22.20 इंच बारिश हुई थी, जबकि इस साल अब तक 4 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम के इस ट्रेंड से लगता है कि सितंबर में और भी बारिश हो सकती है, जिससे डैमों में पानी का स्तर बढ़ता रहेगा। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए अलर्ट के बाद प्रशासन ने लोगों को सचेत रहने और जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचने की सलाह दी है। साथ ही डैमों के पास सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए हैं, ताकि कोई अनहोनी ना हो। लगातार बारिश के चलते नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है।